गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनरशॉट। गनरशॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम म्यांमार में जा रहे हैं, राइट? और म्यांमार के अंदर क्या लेटेस्ट गतिविधियां हैं, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल दुष्यंत सिंह। एंड जनरल दुष्यंत, बहुत दिन के बाद आप गनरशॉट में आए हो, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके पास आपके साथ बात करने पर। और ये कंटेंपरेरी टॉपिक है। या इट्स अ कंटेंपरेरी टॉपिक। इससे पहले कि मैं आगे बढूं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि जनरल दुष्यंत हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर ऑफ क्लॉस व्हिच इज सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर इन आर्मी एंड सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज। इट्स अ थिंक टैंक ऑफ द आर्मी एंड नाउ ही इज द हेड ऑफ द थिंक टैंक। And this think tank is going to think for us, number एक। Number दो, yesterday he conducted a seminar on Myanmar. कल ही इन्होंने मानेकशॉ सेंटर में म्यांमार के बारे में एक नेशनल सेमिनार कंडक्ट किया और बहुत लोग आए थे म्यांमार बॉर्डर से, ऑन ग्राउंड से। तो जो ये बताएंगे हमें म्यांमार के बारे में, वो एक्चुअल जो गतिविधियां हो रही हैं ऑन ग्राउंड, वो हमें बताएंगे। पर इससे पहले कि वो अपना शुरू करें, मैं दो चीज मैं म्यांमार के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद हम आई हैंड इट ओवर टू जनरल दुष्यंत। पहले, जैसे हमें पता है, सबको पता है म्यांमार कहाँ है, और म्यांमार से हमारा चार स्टेट जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और यही नहीं, उस साइड म्यांमार के चाइना है। तो म्यांमार जो है इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस, ये मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। पर म्यांमार जो है पिछले दो तीन साल से दुविधा में है। इसका दुविधा क्या है, राइट? किसी ने बताया है, द प्रॉब्लम विद म्यांमार इज दैट इट हैज अ किंग एंड अ क्वीन बट दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, ठीक है ना? क्योंकि ये इनका वो अलग अलग है और अलग अलग, वो डाइवर्स तो छोड़ो, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। दूसरी बात, ये क्या कहा होता है म्यांमार से बहुत दिन से, ये तात्मदाव इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तात्मदाव इज नॉट द प्रॉब्लम बट पार्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन। ऑंग सैन सू ची और डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन बट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हम ये जो कैच 22 सिचुएशन अगर हम समझ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये म्यांमार का स्थिति बदल जाएगा। और फिर याद रखिए, द प्रॉब्लम विद म्यांमार इज दैट इट हैज अ किंग एंड क्वीन बट दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। ओके, इसके साथ आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द एंटायर थिंग टू जनरल दुष्यंत। जनरल दुष्यंत, ऑल योर्स। आप जो कल आपने डिस्कस किया और आपके विचार आप हमारे लिए थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू सर। कैन आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन ऐड दिस स्लाइड्स? या स्लाइड, या। तो जो ये निष्कर्ष सेमिनार में निकल के आ रहा है और बाकी जो एक्सपर्ट्स लोग जो डिस्कस कर रहे हैं म्यांमार के बारे में, जो हाल ही में सिचुएशन वहां इंटरनल क्रिएट हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ से निकला, उस समय के बाद से आज जो स्थिति है म्यांमार की, द कंडीशन ऑफ म्यांमार ऐसी है कि कहीं ना कहीं लोग बैल्कनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इतना बुरा हालत हो गया है तात्मदाव का। तात्मदाव का जो वर्चस्व था, यानी कि द डोमिनेंस ऑफ तात्मदाव इन म्यांमार, कभी फेड नहीं हुआ। इवन जब एनएलडी की गवर्नमेंट आई थी ऑंग सू ची के नीचे, उसमें भी उन लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट किया था जिसमें पार्लियामेंट के अंदर उनकी एक फिक्स सीट्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट कंट्रोल करते थे। लेकिन 2021 का जो कू हुआ, उस कू के बाद जो सिचुएशन देश में पैदा हुई है म्यांमार में, वो धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ती चली गई है। उसका पहले क्या होता था कि जो म्यांमार की जो आर्मी है या तात्मदाव जिसको बोलते हैं,
म्यांमार में तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। पहला तो जो रिबल फैक्शंस हैं, जो चारों तरफ म्यांमार के चारों तरफ फैले हुए हैं, यानी कि हर उसके पेरिफेरल स्टेट्स में रिबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर पे ले लीजिए, चाहे वो इंडियन बॉर्डर पे ले लीजिए, या फिर थाईलैंड बॉर्डर पे ले लीजिए, तो हर या फिर इवन कोस्ट पे भी, कोस्ट में भी आपको पता होगा अरकन आर्मी और राखिन या प्रॉब्लम वहां भी चल रही है। तो इन सब चीजों की वजह से इंस्टेबिलिटी तो रहती थी, लेकिन वो करते क्या थे, जो दो दूसरे ग्रुप हैं, एक ग्रुप है स्टूडेंट ग्रुप होता था इनका, राइट, वो जो स्टूडेंट ग्रुप जो होता था और रिबेल ग्रुप जो होता था, और जो इनको आपस में जनरली वो लड़ा देते थे, या तो कभी भी ये जो रिबेल ग्रुप्स थे वो एक साथ यूनाइट हो करके तातमदाव को अपोज नहीं करते थे, कभी कोई रिबेल ग्रुप उनके साथ हो जाता था, उनके साथ ट्रीटी कर लेते थे तो बाकी रिबेल ग्रुप अलग हो जाते थे, तो ये एक यूनाइटेड एफर्ट नहीं था। लेकिन जब से ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस बनी, एक एक यू नो कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट आया इस पूरे के पूरे इंटरनल सिचुएशन में म्यांमार की। दूसरी चीज जो आपको देखनी वो होगी कि जो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे यहाँ के, जो आंग सान सू ची उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव मानी जाती हैं, उन्होंने भी एक एक मिलिटेंट रूप अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अपना एक ये नहीं डिक्लेयर किया है, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं डिक्लेयर किया, हालांकि यूरोपियन काउंसिल वगैरह ने उनको उनको रिकग्नाइज किया कि लीगली दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, बट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड अ कैपिटल आउटसाइड म्यांमार। वो ये एक वो कहते हैं कि हम अंदर रह करके ही लड़ेंगे, और उन्होंने एक प्रोग्रेसिव डिफेंसिव फोर्स तैयार किया है, और वो प्रोग्रेसिव डिफेंसिव फोर्स जो है इट इज अदर देन द थ्री ब्रदरहुड अलायंस, और उनका काम क्या है कि वो भी किसी भी हालत में वहां के जो यू कैन से इट इज बियॉन्ड द विजिलेंट, वो जो विजिलेंट से थोड़ा सा और आगे इनका जो अस्तित्व है, तो इसकी वजह से उनको अपोजिशन विलेजेस में हो रही है, टाउन्स में हो रही है, और पेरिफेरल एरिया जो कि रिबेल्स हैं वो जंगल्स वगैरह जो कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो चाइना का हो चाहे वो इंडिया का बॉर्डर हो, हर जगह इनको अपोजिशन मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी जो आर्मी है वो जमीन पे नहीं लड़ पा रही है, और तातमदाव भी जो दुनिया का बाकी ट्रेंड चल रहा है एरियल अटैक्स पे रिलाई कर रहे हैं, आर्टिलरी पे रिलाई कर रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड जो है इनके फिसल रहे हैं इनके हाथ से, जिसकी वजह से या तो वो इंडिया में भाग जा रहे हैं या फिर किसी न किसी तरह से एस्केप करके उनको, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको वापस रंगून भेज रही है, बट कहने का मतलब है कि ऑन ग्राउंड सोल्जर्स आर डेजर्टिंग म्यांमार आर्मी है, जिसकी वजह से बैल्कनाइजेशन एक रियल थ्रेट हो गई है। अब इसके बाद मैं आता हूं अगले उस पे कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन जो देख रहे हैं आप, ये इतनी खतरनाक हो गई है वहां पे कि ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको नॉर्थ में सेजिंग में देख लीजिए, नीचे अरकान आर्मी का जो इलाका है पीले से डॉट लगा हुआ है, जो वेस्टर्न साइड में है वो चाइनीज MNDA है, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है उनका है वर्चस्व बना हुआ है, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं तकरीबन जो है पूरा का पूरा म्यांमार जो है इस समय घिरा हुआ है अपनी रिबेल आर्मी से, और इंटरनली वो प्रोग्रेसिव डिफेंसिव फोर्सेस से घिरा हुआ है। अब हम आते हैं कुछ बड़ी बड़ी चीजों में, जहां तक पोस्ट्स हैं इंडियन म्यांमार बॉर्डर में, म्यांमार आर्मी की 51 पोस्ट हुआ करती थी, इसमें से अब तकरीबन 26 जो पोस्ट्स हैं वो अरकान आर्मी ने कैप्चर कर ली, यानी कि वहां पर जो म्यांमार आर्मी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, वो पूरे के पूरे इलाके, और ये अधिकतर जो लोअर पोर्शन में बॉर्डर में, बॉर्डर का मैप दिखाऊंगा वहां पर इनका वर्चस्व है। खाली 25 पोस्ट हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज में नागालैंड और अरुणाचल के सामने हैं, वो ही म्यांमार आर्मी इस समय कंट्रोल कर रही है। दूसरी चीज टाउन्स की हालत, और ये जो टाउन्स की हालत मैं बता रहा हूँ ये उनके चीफ ने बोला है, हुंटा का जो लीडर है लॉन्ग जनरल लॉन्ग सीनियर जनरल लॉन्ग, वो बोल रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन इस समय है पीसफुल नहीं है, खाली 198 सिटीज हैं वेयर यू कैन से कि कुछ शांति मौजूद है, बाकी 67 स्टेट्स आर सीरियसली अंडर
सिक्योरिटी थ्रेट एंड 65 आर अंडर वेरी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट. तो वर्चुअली आप देख लीजिए आधी जो उनकी जो कंट्री है दैट इज अंडर इवन द टाउन्स आर अंडर. पहले टाउन्स वर नेवर थ्रेटन्ड, इरावदी टाउन के नजदीक आ गए हैं, हर तरफ टाउन्स को इन्होंने भी इफेक्ट किया. इट्स समथिंग लाइक आउटवर्ड टू इनवर्ड इंसर्जेंसी फैल रही है, जो कि पुराने जमाने में हुआ करती थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता था कि बाहर से अंदर आते थे और फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज डिस्प्लेस्ड. अब इसकी अगर ये मैपिंग किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने करी है, हाई सिक्योरिटी इंडेक्स जो बनाया है म्यांमार का, वो भी सेम चीज को बता रहा है. जितने भी ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर वर्चुअली कंट्रोलिंग दी एरियाज. सो देयरफॉर म्यांमार आर्मी की सिचुएशन इसमें इतनी खराब हो गई है कि लोग बैल्कनाइजेशन की बात कर रहे हैं इसी वजह से. तो उनका स्टेट क्या है? इट हैज लॉस्ट कंट्रोल, जो मैंने पहले ही बताया. आर्मी हैज लॉस्ट कोहरेंस एंड इट इज फोर्स्ड टू डू कंपल्सरी कॉन्स्क्रिप्शन करने का हुक्म आ गया है, जिसमें वुमन आर फ्रॉम 18 to 27 एंड मेन आर फ्रॉम 18 to 35. अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू फ्ली टूवर्ड्स थाईलैंड, बिकॉज वहां से उनको थोड़ा सा आसानी होती है. बट यू कैनॉट रूल आउट फ्यू ऑफ देम ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स इंडिया एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन सम फॉर्म और द अदर. हमारे ऊपर भी इसकी असर पड़ेगी अगर लोग हमारी तरफ आना शुरू कर देंगे. खासतौर से यंग लोग अगर आना शुरू किए तो दे हैव अ पोटेंशियल टू डिस्टर्ब आर ओन पीस. अच्छा, क्योंकि स्टेट म्यांमार आर्मी एयर और आर्टिलरी पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, रॉकेट्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, इसकी वजह से कोलेटरल डैमेजेस बहुत हो रही हैं. तो अपोजिशन एक्चुअली और बढ़ रही है. इनफैक्ट पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर ज्वाइनिंग दीज रेबल फोर्सेज. दूसरी बात यह है, रेबल फोर्सेस के पास काफ़ी मॉडर्न वेपन्स आ गए हैं. इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा. It is related to drugs and yeah, China. वो तो हमने बात भी किया था पहले. Correct. और China factor नहीं, कुछ बड़े revealing से figures भी हैं. आप देखेंगे. despite catching so much of contraband, it is still going on rampantly. Okay. Arakan army ने virtually एक government बना दी है अपने इलाके में. और वो उन्होंने तो इनवाइट भी कर दिया है इंडिया को कि भाई आप काला, वी आर सपोर्टिंग द कालादान प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है. किसी वजह से अटका हुआ है पिछले कई सालों से. वी आर ट्राइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट बट बन नहीं पा रहा है. इट्स अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है. सी रूट भी इसमें शामिल है, रेल रूट भी शामिल है. लेकिन इसको अरकान आर्मी ने ऐसे प्रोजेक्ट करने की जैसे कि वो ही अब इस इलाके के बॉस हैं और आप आइए और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बनाइए, टाटा मडाओ तो अब यहाँ कुछ नहीं कर सकता है. तो ये एक डायरेक्ट चैलेंज दिया है टाटा मडाओ को अरकन आर्मी ने. सदर्न एरियाज जहाँ तक सवाल है, वहाँ भी आपको पता ही है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस है. थाईलैंड इनफैक्ट इनसे थाईलैंड बॉर्डर पे भी इनकी सिचुएशन काफ़ी खराब है. डेंजर ऑफ बैल्कनाइजेशन बात कर ली. हाउ शुड द सिचुएशन बी मैनेज इज द चैलेंज फॉर बोथ म्यांमार and international players as also regional players such as China, India and ASEAN. अब आप देखिए, एक national unity government जो जिसकी मैंने बात करी थी, जिसके कि NLD is the prime leader of that, एक 5-point program बनाया गया था. ASEAN में इसकी एक meeting हुई जिसमें कि Long, senior general Long भी गए थे. उन्होंने वहाँ माना, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने पूरे के पूरे 5 points को इस सिरे से नकार दिया. बोला कि दिस विल बी ओनली एक्टेड अपॉन जब स्टेबिलिटी आएगी हमारे देश में. और स्टेबिलिटी तो आने से नहीं रही, और स्टेबिलिटी खराब होती जा रही है जैसे जैसे. ये 2022 में ये एग्रीमेंट हुआ था 5 point वाला, और आज 2024 आ गया है. स्टेबिलिटी हैज गॉन फ्रॉम वर्स टू, आई मीन कोई कोई उसकी डिग्री नहीं है इस समय. बहुत ही बुरा हाल हो गया है. तो बैल्कनाइजेशन कैसे हो सकता है? ये एक 2029 का मैप, ये मैंने नेट से निकाला है, मेरा खुद का इजाद नहीं है ये. बट उसमें कई लोग इसकी बातें करने लग गए हैं. अब आप देखिए, वर्चुअली म्यांमार का है, इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे. बट इसमें बड़ा जो टुकड़ा है वो शान स्टेट का है, जो कि आपको नीले से लाइट नीले कलर से दिखा रहा है. अरकान जो है वो
टूवर्ड्स द सी साइड है। अरकान क्यों इम्पोर्टेंट है? अरकान के पास दो पोर्ट्स हैं और एक पोर्ट में चाइनीज का काम चल रहा है और दूसरे पोर्ट में इंडियन इंडिया का काम चल रहा है। यहाँ पे चाइना और इंडिया अगल बगल में है और दूसरा कालादान प्रोजेक्ट है। तो ये अरकान आर्मी एक बड़ा क्रिटिकल, अरकान एरिया बड़ा क्रिटिकल हो गया है हमारे लिए भी और चाइना के लिए भी। चाइना आपको पता है इट वांट्स एन एक्सेस टू द इंडियन ओशन, मलक्का डायलेमा है उसका। इंडिया के लिए जरूरी है क्योंकि इंडिया वांट्स टू कंटिन्यू टू रिटेन, अपने नेबर्स के साथ एक रिलेशनशिप करना चाहता है। तो अगर हम एज आउट हो जाते हैं इस इलाके में, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो डाउन एंड गो वाया रंगून। तो हमारा जो जो सिचुएशन है और लंबा हो जाएगा और लंबा रूट बन जाएगा। तो ये जो शाफू जो पोर्ट है जो चाइना को मिला है वो उनके लिए थोड़ा सा एक फायदेमंद चीज हो गई है। इसलिए देखा जा रहा है कि चाइना रिबेल्स के साथ भी काम कर रहा है और तात्मदाओ के साथ भी काम कर रहा है। वो दूर की सोच रहा है, वो देख रहा है कि अगर टूट गया तो भी दे आर इन द गेम, और अगर नहीं टूटा, तात्मदाओ इज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो भी दे आर इन द गेम। इंडिया इसमें थोड़ा पिछड़ गया है। इंडिया ने अभी तक क्या पोजिशन ली है हमें कुछ पता नहीं है, नेट पे या फिर ओपन सोर्स से अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि इंडिया, वेयर इज इंडिया नाउ इन्वेस्टिंग, बिकॉज आफ्टर दिस न्यूज देयर हैज बीन नो फॉलो अप जो हम देख रहे हैं मीडिया में। जब इन्होंने अरकान आर्मी ने डिक्लेयर किया कि दे इन्वाइट इंडिया टू कैरी ऑन विद द कालादान प्रोजेक्ट, उसका कोई फॉलो अप या कोई अनलेस एंडली कोई बिहाइंड द सीन काम चल रहा तो वो मुझे पता नहीं है। तो ये इतने टुकड़े अगर बालकान, कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि नहीं, तात्मदाओ एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फॉर्मेशन है तो इसलिए वो ये होने नहीं देगा, बालकनाइजेशन होने नहीं देगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी यूनिट्स जो कि डिप्लॉयड थी फील्ड में, उनकी अब जो कंपोजिशन है, कोई इंजीनियर्स के बंदे उठा लिए, कोई सिग्नल्स के बंदे उठा लिए, मतलब एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं कि जो मिल जाए उसको पकड़ करके ये लोग बटालियन में डाल रहे हैं। लीडर कोई और है, बटालियन कमांडर कोई और है, एक बड़ा ही इनकोहरेंट सा फोर्स, फाइटिंग फोर्स बन गया है ग्राउंड लेवल पर। जहाँ तक उनके जनरल्स को सजा दी जा रही है, दे आर बींग यू नो न्यूज में आ रहा है, आपने सुना भी होगा। तो ऐसी हालत में आर्मी को इस सिचुएशन से अब बचा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। हालांकि कुछ व्यूज ऐसे भी आए कि नहीं, अल्टीमेटली तात्मदाओ इसको सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि देखिए, कई दिनों से अभी मैटर शांत है, इलाके शांत हैं, एरिया शांत हैं, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। लेकिन इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि शांत इसलिए है कि वहां रिबेल्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है। आप समझ रहे हैं, अब रिबेल्स ने कंट्रोल ले लिया, ये लोग जा नहीं पा रहे हैं तो शांत हो जाएगा, वो फिर किससे लड़ेगा? अगर मैंने पूरा अरकान अपने कब्जे में कर लिया तो मैं जबरदस्ती लड़ाई करूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन यही एक कमजोरी है जो कि तात्मदाओ इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं, लेकिन आप देखिए एमएनडीए जो वेस्ट में थी, जो शान स्टेट वाला जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, वहाँ वा स्टेट भी है, वहीं पे आती है, वहाँ चाइना ने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। चाइना ने अपना 2129 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 2129 किलोमीटर का बॉर्डर पूरा सील कर दिया है। उनको रेगुलेटेड क्रॉसिंग दी गई है बिकॉज ट्रेड काफी होता है उस इलाके से चाइना और म्यांमार के बीच में, एंड दे डोंट वांट टू स्टॉप दैट। उन्होंने एमएनडीए के साथ एग्रीमेंट कर लिया है और वो उनका काम दोबारा नॉर्मल हो गया है, तो इसलिए वहां पर अब कोई लड़ाई नहीं हो रही है। ऑब्वियसली देयर हैज बीन सम एग्रीमेंट डन। सिमिलरली अरकान आर्मी की सिचुएशन हो गई है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अगर ये दोबारा अलग अलग हो गए, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, तब तात्मदाओ माइट बी एबल टू कंट्रोल। अभी तक तो दे आर होल्डिंग ऑन टू द अलायंस। इफ द अलायंस सिट्स टुगेदर, चांसेस आर दैट तात्मदाओ में गिवन अल्टीमेटली। नेक्स्ट, इफ यू कम टू नाउ स्पेसिफिक टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात करते हैं, हमको पता है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर में आपने बोला चार स्टेट्स हैं आती हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान में देने वाली 1643 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है, इसमें जो ध्यान में देने वाली बातें वो ये हैं कि जो
कई इलाके हैं अनडिमार्केटेड हैं, वहां से थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन और ज्यादा होता है, यानी कि जो रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स हो या जो भी हो वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे इलाके जो है हमारे को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे इलाके में फेंसिंग अगर हम लगा देते हैं तो वो उसका एक अलग डायनेमिक्स भी हो जाता है। पहली बात तो इलाका बहुत ही डिफिकल्ट है फेंसिंग वगैरह लगाने के लिए, उसके बारे में मैं अलग से थोड़ा चर्चा करूंगा। फिलहाल ये बताना जरूरी है कि इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है इस समय काफी हद तक रिबेल्स के कंट्रोल में आ गया है। नॉर्दर्न एरिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो इलाका है उसको छोड़ करके मणिपुर के सामने और मिजोरम के सामने ये इलाका तकरीबन तकरीबन पूरा जो है रिबेल्स के साथ में, रिबेल्स के हाथ में आ गया है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो है इस बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले टोटल 20 कैंप्स है हमारे इंसर्जेंट्स के इस इलाके में। दस जो है वो नॉर्थ में है, जो कि अभी उतना एक्टिव नहीं, इन द सेंस कि वो उनका हमारे अंदर इंटरनल एक्टिविटी कम है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वाला। लेकिन 8 जो मणिपुर के सामने है वो एक्टिव है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि माइती और कुकी दोनों के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना रेस्ट रिकूप करते हैं और फिर दोबारा अंदर आके गदर करते हैं। और मिजोरम के सामने खाली 2 है। लेकिन जो अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है इलीगल इमिग्रेंट्स। इसके बारे में काफी बातचीत होती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कितने आ गए और उन्होंने गदर शुरू कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि मणिपुर में अभी तक करीबन 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 13,000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं। अब डेटम अगर आप 51 लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हम ले रहे हैं 2021 से, जब कू हुआ म्यांमार में तब से अगर बात करें तो 13,000 के करीब अंदर आए हैं और 7,000 के करीब वापस भी चले गए। और अभी क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है कि जो वापस जा रहे हैं उनका प्रॉपर रेगुलेटेड कंट्रोल हो रहा है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि ताकि अगर दोबारा आते हैं तो दे आर आइडेंटिफाइड एज द सेम। दूसरा चीज है मिजोरम में सबसे ज्यादा आए हैं, 32,000 के करीब आए हैं। लेकिन वी कांट से कि 32,000 जो मिजोरम में आए हैं वो घूम फिर के मणिपुर में ना आ गए, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। और सबसे कम जो आए हैं वो नागालैंड में आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से 100 से भी कम है, दे आर 95 और सो। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि 32,000 में से भी करीबन 24,000 के कुछ वापस चले गए, सॉरी 13,000 वापस चले गए। सो ओवरऑल आए जरूर हैं लोग, लेकिन लोग वापस भी गए हैं। तो उतना भयानक स्थिति नहीं है जितना कि मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है कि ये हो गया वो सब नहीं है। कॉन्ट्राबैंड का देख लीजिए, आपको बताऊं 2020 में हमने तकरीबन 8,875 करोड़ का वर्थ कॉन्ट्राबैंड पकड़ा, लेकिन 2023 में इसकी क्वांटिटी हो गई है 1,725 करोड़ वर्थ ऑफ कॉन्ट्राबैंड हैज बीन एप्रीहेंडेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आईएमबी। सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर जस्ट सिटिंग आइडल ऑन देयर हंचेस, दे आर वर्किंग टू दैट एक्सटेंट। आई फील दैट बॉर्डर के ऊपर जो कंट्रोल है इंडिया का बाय एंड लार्ज मेंटेन्ड है। दूसरा चीज आपकी वो बताऊं कि फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में, फ्री मूवमेंट रिजीम का जहां तक सवाल है, फ्री मूवमेंट रिजीम 11 अगस्त 2018 में इसका एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि हेड लोड के साथ लोग 16 किलोमीटर आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर आ जा सकते हैं। इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह थी कि लोकल आर एंजॉइंग द ड्यूअल सिटीजनशिप, बट इसका मिसयूज बहुत हुआ है। एंड मिसयूज से मेरा मतलब है जो अनडिमार्केटेड एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहां से लोग आ रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज करके वापस चले जा रहे हैं, वो वाला जो मिसयूज हुआ है दैट मिसयूज हैज टू बी स्टॉप्ड। सो इट इज इन माय ओपिनियन, मेरी जो ओपिनियन ये है कि फेंसिंग जरूरी है, लेकिन फेंसिंग किस तरह से करनी है वो एक अलग सवाल है, वो एक दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। How should we fence it? Because we'll not touch upon that at this point of time. Yeah, because that is a separate challenge. It's a dynamic, जो पूरा अलग है उसका कहानी। Yeah, so दूसरा चीज जो है cross border जो linkages हैं,
वो भी एक चैलेंज है हमारा इस म्यांमार बॉर्डर में। एक गांव ऐसा है जिसमें से कि 600 घरों में से 200 घर म्यांमार में, 400 घर इंडिया में है। कुछ घर ऐसे हैं जिसमें कि जिसका एक एक आंगन जो है वो क्या बोलते हैं कोर्टयार्ड म्यांमार में है, और क्या बोलते हैं घर जो है इंडिया। सारी परेशानियां हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस में कठिनाई पेश करती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारी तरफ स्पिल ओवर होती हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे ये हैं कि म्यांमार की जो इंटरनल सिचुएशन है मोस्टली होम ग्रोन है, इसमें एक्सटर्नल एक्टर्स का बहुत कम प्ले है, मोस्टली दे आर होम ग्रोन। अगर कुछ थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है तो वो चाइनीज का है। दूसरी चीज, चाइनीज इन्फ्लुएंस यहाँ पे सब काफी प्रोनाउंस्ड है एज कंपेयर टू द इंडियन इन्फ्लुएंस, एंड उस दैट इज ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन। एवरीबडी नोज चाइना के लिए सीमेक जो है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे कि पाकिस्तान के साथ सीपेक है, हम लोग बोलते रहते हैं कि हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, लेकिन एक्चुअली चाइना का तो चोकर नेकलेस है, वो हर जगह से चोक्ड है। तो उसको उस चोक से बाहर निकलने के लिए ही हैज टू फाइंड दीज ऑल्टरनेट एवेन्यूज, एंड म्यांमार इज वन ऑफ द मेजर की एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिलेमा। और कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि 2021 का जो कू हुआ था, दैट वाज आल्सो पॉसिबली टू जनरेट और सपोर्टेड बाय द चाइनीज, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि एनएलडी की गवर्नमेंट ने उनका जो एक डैम प्रोजेक्ट था वो कैंसिल कर दिया था मिचो ने मिचो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक डेंजर्स, ने राइट। मिचो ने जो नॉर्थ में है इनका। हाँ मिसन, करेक्ट। दूसरा, गोल्डन ट्रायंगल डायनेमिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि गोल्डन ट्रायंगल डायनेमिक्स इस इलाके में अब बहुत ही भीषण तरीके से, इट हैज स्टार्टेड प्लेइंग इन अ वेरी वेरी लार्ज मैनर ऑन इन टू फॉर्म्स। 95% ऑफ ओपियम कल्टिवेशन ऑफ अफगानिस्तान को बंद कर दिया गया है। सारा का सारा जो जो प्रेशर है वो इधर आ गया है। $2.2 बिलियन वर्थ ऑफ ओपियम हैज बीन एक्सपोर्टेड, विच इज 154 टन इन वॉल्यूम। ये अपने आप में एक इट्स अ वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग फिगर। कहाँ से ये आपने पुरानी फिगर्स दिखाई हैं, पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया, बट इस साल का 2023 की जो जो सिचुएशन है, इट इज माइंड बॉगलिंग। हो क्या रहा है, जो लोग बाहर गए थे ना, जो लोग ये रिबेल एरियाज, जो जंगल के एरियाज हैं, गांव हैं, छोड़ के बाहर चले गए थे फॉर बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट, दे आर नाउ रिटर्निंग बैक। क्योंकि पैसा यहाँ वापस आकर के ओपियम की खेती कर रहे हैं। वन, द सेकेंड थिंग इज केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ हेरोइन, वो भी एक ह्यूज जंप हुआ है, अराउंड 30% जंप है उसमें इस इलाके में। एंड ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, मोस्टली दैट इज गोइंग फॉर द वेपन प्रोक्योरमेंट ऑफ द रेबल ग्रुप्स, और उसमें इंडियन इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो भी हाथ धो रहे हैं। दे आर ऑल्सो प्रोक्योरिंग, बिसाइड लूटिंग आर आर्मरी, दे हैव ऑल्सो डन एंड दे आर गेटिंग मनी थ्रू दिस ऑल्सो। सो एक हैंड इन ग्लव सिचुएशन वहां पे हो रखी है, जिसकी वजह से यू विल फाइंड दैट द लेवल ऑफ वायलेंस नीचे नहीं आ रहा है। जो रिबेल्स हैं आज की डेट में, उन्होंने भी सीख लिया है, म्यांमार अभी कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, बैक ऑफ बियॉन्ड नहीं है। दे आर यूजिंग ड्रोन्स टू फाइट दी म्यांमार आर्मी, दे आर ऑल्सो यूजिंग हैवी वेपन्स, दे आर ऑल्सो यूजिंग हैवी वेपन्स टू फाइट द। वाई डू थिंक दी सोल्जर्स हैव रन अवे, दे नेवर एक्सपेक्टेड। पहले के ऐसा कुछ होता नहीं था, पहले स्मॉल आर्म्स की लड़ाई होती थी, अब तो स्मॉल आर्म्स की लड़ाई कब की खत्म हो गई है। सो म्यांमार के जो रेबल्स हैं वो भी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हो गए हैं, एंड म्यांमार आर्मी नेवर एक्सपेक्टेड दैट दे विल हैव टू फेस सच अ सच अ यू नो सच अ सच अ अपोजिशन, जिसका डायरेक्ट असर जो हमारे ऊपर भी पड़ा है और उनके ऊपर भी पड़ा है। फेंसिंग डायनेमिक्स की बात हमने मोटे तौर पर करी है, एफएमआर जो की जो डायनेमिक्स है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। इन सब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरनल सिचुएशन जो म्यांमार का है, और रशिया, चाइना, यूएस, ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, अभी भी कर रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज सुनी है कि सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन म्यांमार है जंप टू रिकॉर्ड। इतनी सब लड़ाई वड़ाई हो रही है, लेकिन बाकी काम भी इनका
चल रहा है वहां पे, जो रशियन इन्फ्लुएंस ये है कि रशिया ने यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाने का वो किया हुआ है। चाइना इज एज सच इन्वेस्टेड हेविली इनटू दिस। यूएस इज ट्राइंग टू डू इट थ्रू द एनएलडी एंड थ्रू 5 पॉइंट आसियान कंट्रीज के थ्रू इट इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो इस समय ये रीजन जो हो गया ना एक तरह से दूसरा ग्रेट गेम, हम लोग खाली ग्रेट गेम अफगानिस्तान की बात करते हैं, मेरे ख्याल से दूसरा ग्रेट गेम यहाँ चल रहा है। और उसका रीजन ये है कि प्राइमेसी ऑफ चाइना इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीथिंग इज नाउ बीइंग ड्रिवन बाय चाइना। पहले क्या होता था, रशिया कोई डेवलपमेंट करता था तो द वेस्ट यूज्ड टू सडनली गो आफ्टर इट। नाउ इट इज चाइना विच इज डूइंग द सेम थिंग। सो जहां जहां चाइना कुछ डिजाइन कर रहा है, कुछ 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 मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो या फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हो, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। अ सिंपल एग्जांपल इज कि जो चाइना डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी वजह से ताइवान ने 30% इंक्रीज किया अपना डिफेंस बजट। जापान ने 10% इंक्रीज, इट हैज नाउ लेड इट आउट दैट एवरी ईयर दे विल इंक्रीज द बजट बाय 10%। So it's all being driven by China-centric geopolitical order. So accordingly, यहाँ पे जो external players भी जो game खेल रहे हैं, और जहाँ आपने देखा होगा external players इतनी ज़्यादा intensity में आ जाते हैं, वहाँ पर उस देश की हालत बद से बदतर हो जाती है। अफगानिस्तान is a big example where the great game kept on being played for last 200 or 300 years, almost 300 years, and look at the condition of Afghanistan. We hope and pray that Myanmar doesn't become something similar to it. Otherwise, we will have, because वो China के interest में है कि हमारा जो western eastern flank है disturbed रहे। पाकिस्तान के through अपना पाकिस्तान के through अपना western flank disturb कर देता है। North में वो खुद है ही है, North में वो खुद है। अब Myanmar को अगर उसने वो कर दिया तो फिर हम तो we are will face the maximum threats possible for any country in the world the way things are happening. So नहीं, आपने जो एक important बात किया है, I want to reiterate. सब बोलते हैं कि threat जो है वो Indian Ocean में है वगैरह वगैरह, पर पाकिस्तान के against China जो भड़क रहा है तो हमारा वो उस border में problem है, north में China है जो आपने बोला है, और इधर तो Myanmar के जरिए और इनके rebel groups के जरिए हमारे ऊपर खतरा आ सकता है। तो actually क्या है कि वो आजकल मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो हाथ दिखा रहा है इंडियन ओशन में पर काम कर रहा है कॉन्टिनेंटल एरिया में। बिल्कुल। सो आई थिंक एवरीवेयर इंडिया इज अंडर अ सीरियस थ्रेट एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, एंड वी हैव टू अकॉर्डिंगली हैव आवर डिफेंस बजट जो है हमारा, हमारे जो डिफेंस प्रिपेयरनेस है बोथ फॉर फ्यूचर वॉर्स एंड द प्रोक्योरमेंट एटसेट्रा हैज टू बी इन ट्यून विद द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ वॉरफेयर एज वेल एज procurements and development of the other countries of weapon systems. So हम दोनों को हमको match करना है, and we are far behind the top three as we all know about it. Now I'm coming to the almost end of my presentation. What are the options for India? हमारा fundamental interest है कि म्यांमार में शांति रहे. That's our key to having a peaceful border. Then we can actually say that we don't have to bother about China. Right. How do we achieve it? The option today, it appears, is that before it gets balkanized, there should be a semblance of a government which should be able to have its writ across the majority of the areas. I won't say that it can have a writ across, because Myanmar mein aaj tak kabhi bhi kisi bhi government ka 360-degree writ nahi raha hai. They've always had some problem or the other right from the time British India left Myanmar. So there has to be some form of a government. How do you achieve that? Maybe this is a idea which came up, I thought, during a number of people suggested this. Can Myanmar exist as a loosely knit federal structure? Jo maine 7-8 hisse bataye the, wo ek tarah se loosely knit federal structure under a leadership which could be collective, which could be a consensus government. Very difficult to achieve such a thing, but this seems to be
kind of an interim arrangement before they can come up to something which is much more firmer. So maybe if we work towards that and step in, Pakistan steps into, India steps into this area, working towards this kind of a solution, maybe one answer to this very, very critical problem on our neighborhood. क्योंकि हमारे नेबरहुड में चारों तरफ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, चाहे मालदीव्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, चाहे भूटान ले लीजिए. भूटान में भी अभी एक नया डेवलपमेंट शुरू हो गया, दो तीन दिन पहले न्यूज आई थी, आपने देखा होगा कि वो साक्तेंग और डोकलंग दोनों को वो बोल रहे हैं कि आप सीड कर दीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो. सो भूटान अभी चुपचाप बैठा हुआ है उसके ऊपर. सो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे नेबरहुड में हो रही है, तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल दैट वी स्टेप इन बिफोर चाइना डज. Because anything which China is able to create a government out here or something with a Chinese influence, that is going to be at cross purposes. हमारे जितने भी project हैं languish करेंगे, चाहे वो कालादान का हो, चाहे वो trans Asian highway हो, that also will suffer. अभी तो खैर वैसे suffer कर ही रहा है, but then it is for sure unlikely to be revived. एंड वो ड्रीम ही रह जाएगा हमारा ट्रांसेशन हाईवे. सो वी नीड टू काउंटर दैट और केटर टू बैलेंस द चाइनीज इन्फ्लुएंस एज फार एज म्यांमार इज कंसर्न इन फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट. दैट इज प्रायोरिटी नंबर वन. मे बी वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द आशियान एंड द वेस्टर्न नेशंस इन डूइंग सो. आई एम डेफिनेटली, मैं यूएन को जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि यूएन का जो इन्फ्लुएंस है ना वो वर्चुअली अब खत्म हो गया है. अभी वर्ल्ड में वही हो रहा है जिसके जिसकी लाठी उसका भैंस. तो इस समय लाठी जो है या तो वेस्ट के पास है या फिर चाइना रशिया कंबाइन के पास है. वी आर वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद द रशियंस, बट देन द चाइनीज एंगल कम्स इन. सो देयरफॉर फॉर अस इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, आई थिंक वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू प्रोबेबली प्ले अराउंड विद द वेस्ट एंड देन लुक फॉर अ सोल्यूशन for Myanmar's stability. Till then, work towards operating for a scenario where balkanized Myanmar is a reality. यहाँ मैं हिंट कर रहा हूँ कि भाई रिबेल्स के साथ भी अब आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बातचीत करना शुरू कर दीजिए. कई लोग बोलते हैं कि भाई रिबेल्स के पास गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, हाउ आर दे गोइंग टू क्रिएट अ कंट्री एंड लिव. ये सब कहने वाली बातें हैं. अब आप बोलिए, रशिया could anyone think that Russia would USSR would balkanize? Could anyone think that Yugoslavia will balkanize? ये सारे जो states थी ऐसे लगती थी कि they are, you know, they are like under one. Tito was such a big man. वो सब टूट के बिखर गया, right? Similar thing can happen here also. This has also been ruled throughout by a military junta. Now the military junta का जब effect कम हो रहा है तो लोग अपने आप निकल के आते हैं, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन लेवल्स बढ़ गए हैं. आई एम श्योर दे विल बी एबल टू फाइंड गवर्नेंस मॉडल्स, स्पेशली दो स्टेट्स विच हैव अ पोर्ट एक्सेस. मुझे लगता है वो सबसे पहले बैल्कनाइज होंगी, चाहे वो अरकान हो या शान स्टेट हो या नीचे जो मौन वाला जो इलाका है नीचे, नीचे वाला जो इलाका है. सो अगर जिनके पास पोर्ट एक्सेस है, दे विल बी डेफिनेटली द फर्स्ट टू पील ऑफ. सो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ विद देम. हैविंग सेड दिस, दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद अपने ऑडियंस के साथ, कि इस समय जो म्यांमार की जो सिचुएशन है, बिसाइड्स हैविंग एन इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, इज ऑल्सो गोइंग टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी also has a national security ramification for India, in the sense that hamara jo investment hai Myanmar mein, that is at stake today. Our influence in Myanmar is at stake today, and the Chinese are doing well to negotiate with the rebels, as also helping Tat Madaw, and looking for a kind of, we call that in mathematics mein bolte hain, equilibrium point. And Chinese have a good experience of working in high-risk areas. हम उतना high-risk areas में नहीं जाते हैं, चाहे वो अफ्रीका ले लीजिए, वहाँ भी गवर्नमेंटें आती हैं, बदलती रहती हैं, but the Chinese keep plowing around there, maybe because they have deep pockets, so they can afford to, forego certain sunk cost वगैरह, वो सह लेते हैं. हमारे लिए थोड़ी problem है, because we don't have such budgets to throw around. So, still, we need to find a stable Myanmar in our interest.
राइट आपने अच्छी तरीके से आपने कवर कर लिया, क्योंकि हम ये म्यांमार के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो अभी आप बता रहे हो कोई नया चीज है ही नहीं, वो आश्चर्यजनक कोई है ही नहीं, ये तो कुछ होना ही था ऐसे ही नजर आ रहा है। पर मेरा एक दो सवाल है और मेरा कुछ का खुद का डाउट है। देखिए इतने होने के बाद भी वहां कोई पॉलिटिकल प्ले नहीं हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं ग्रुप्स पर कोई पॉलिटिकल आउटरीच या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा है। एंड वी ऑल नो कि लड़ाई आप करते रहो पर जब तक ये पॉलिटिकल स्थिति में नहीं बदलती, सुलह नहीं होगा एक तो, और दूसरा कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगा, आप लड़ाई करते रहो और ड्रग्स के साथ पैसा बनाओ और लड़ाई करते रहो, फिर वहां शांति नहीं आएगी। और कोई भी रिबल ग्रुप भी ऐसी नहीं होगा कि भाई हम अपना लड़ाई करते रहेंगे, दे ऑल्सो मस्ट बी हैविंग सम पॉलिटिकल सिस्टम टू गो। वो मेरे को नजर नहीं आ रहा आज तक अभी तक, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं। क्या ये सिंपोजियम में कुछ निकला या सेमिनार में कि भाई कुछ पॉलिटिकल मूव हो रहे हैं क्या? इसके ऊपर देखिए पॉलिटिकल मूव्स इंटरनली कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब इंटरनल म्यांमार के अंदर कोई इस तरह का मूवमेंट हो रहा है उसकी बातचीत नहीं हुई। उसका एक कारण ये था कि जो उनके हुंटा के जो बॉस हैं लॉन्ग, जनरल लॉन्ग, मिन हो लॉन्ग वो रिफ्यूज कर रहे हैं टू नेगोशिएट। ही सेज मैं आई एम गोइंग टू स्टेबलाइज द सिचुएशन एट ऑल कॉस्ट। सो बेसिकली ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, देयर इज अ रिजिड अप्रोच व्हिच ही इज फॉलोइंग एंड मे बी ही स्टिल थिंक्स। इन फैक्ट देयर वाज अ व्यू व्हिच केम आउट एग्जैक्टली ऑन दिस पर्टिकुलर इशू दैट ही विल अल्टीमेटली प्रिवेल। एंड उसका प्रिवेलिंग का रीजन क्या था? रीजन आई विल टेल यू द रीजंस आल्सो। फर्स्ट रीजन वाज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, that there is no leadership emerging amongst the three which can political leadership hai nahi, which can jointly approach. Second reason jo tha, which is more interesting, NLD jo national unity government is not finding favor with the three brotherhood alliance. Wo kisi, ye to humne pehle bhi bataya ki uska reason kya hai, uska reason bhi hai ki why they say that they are not because they feel that Aung San Suu Kyi kept quiet during the Arakan crisis. वो Rakhine state के ऊपर जब problem हुआ, Rakhine state का problem, Buddhist related जो violence हुआ, उसके against she kept quiet. So वो एक ऐसा action ले लिया Aung San Suu Kyi ने. Aung San Suu Kyi has lost credibility. Aung San Suu Kyi is not being accepted as a credible leader to lead the country. Alternative to ये भी तो बड़ा clear है जो आप बोल रहे हो कि Aung San Suu Kyi is not a alternative. Yes, और right. इसी वजह से NLD fail हुआ and NUG fail हो रहा है because of this. They say that Indian government possibly is talking. This is not from the symposium. I read somewhere or somebody told me some track 2 वगैरह वाले लोग बता रहे थे कि हम एनयूजी वगैरह के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, बट एनयूजी का कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया, वैल्यू नहीं है। नहीं, और एक नहीं, मेरा मानना यह है कि देखिए आप जैसे बोला आपने हेरोइन ट्रैफिकिंग बढ़ गया, पहले से भी मेथ का ट्रैफिकिंग वहां ज्यादा था और अफगानिस्तान में ज्यादा हो गया, तो वहां सबके पास पैसा आ गया, काफी हद तक ये पैसा का खेल है। पॉलिटिकल मोटिवेशन किसी का है ही नहीं जहां तक मैं देख रहा हूँ, और ये जो NUG गवर्नमेंट के पास पैसा है ही नहीं, ये जो NUG की जो भी है आप राइट Aung San Suu Kyi, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है ड्रग्स के ऊपर। अगर आप म्यांमार का इकोनॉमी देखोगे तो म्यांमार का इकोनॉमी इज नॉट बेस्ड ऑन ड्रग्स अलोन, इसके पास मिनरल्स हैं और इसके पास ऑयल और गैस भी है और इसके पास रूबी है, खान है और सेंट्रल म्यांमार में काफी वो सब तो अभी तक काफी रिसोर्सेस हैं इकोनॉमिकली, वो सब तात्मदाव के हाथ में है आज तक, वो कहीं गए नहीं। तो तात्मदाव के पास एक्चुअली आपने जो बोला है उसे मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ। अब स्थिति कैसे बदलता है वो पता नहीं है, क्योंकि तात्मदाव के पास
मेन इकोनॉमी उसके हाथ में है, इट हैज गॉट द इकोनॉमिक वेयर विद ऑल टू लास्ट आउटलास्ट दीस पीपल. तो वो एक चीज है. और दूसरी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि ताजमदाव ये जेल रहा है. 2014-15 में पहले भी ये जेला है. पर बात यह है कि ये मेरे ख्याल में ये एक अनोखा चीज है जो आपने पहले बता दिया कि ये जितने रेबल ग्रुप्स हैं मिलके लड़ रहे हैं अभी. बिल्कुल, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, दे आर कोऑर्डिनेटिंग देयर ऑफेंसिव, कोऑर्डिनेटिंग एंड या. तो इसकी वजह से थोड़ा तात्मदाव को जरूर प्रॉब्लम हो रहा है, राइट. बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है. और मेरा मानना यह है कि ये पहले दिन से इंडिया का जो रवैया है वो थोड़ा पीछे है, पीछे हटके है, और हम आगे कभी गए नहीं. और पहले दिन से मैं यही मेरा रोना यही है कि हमें थोड़ा अग्रसर होना है की जरूरत है. वेट एंड वॉच वाला जो वो चलेगा नहीं, अभी चलेगा नहीं. एक्चुअली आई थिंक इट विल बी टू लेट एंड वी विल अगेन बी द लैगर्ड्स इन दिस. आई थिंक वी हैव टू हैव अ पॉलिटिकल आउटरीच टू दीस ग्रुप्स, और इनको पॉलिटिकल मदद देने की जरूरत है. या पर्सनल ओपिनियन, या यू गिव देम पॉलिटिकल सपोर्ट, या यू गिव इंटरवीन एंड गेट पॉलिटिकल, you know, get everyone to the table and play a political game. Some alignments have to be created to ensure, वही जो बोले, leveraging जरूरी है इस समय for a peace mission, for a peace mission in Myanmar. And हो सकता है, ऐसा नहीं कि possible नहीं है, हो सकता है. It is possible. It's possible. और तीसरी बात मेरा ये भी मानना है कि आपने बोल तो दिया कि चाइना इज प्लेइंग हाई रिस्क गेम इन अ हाई रिस्क सिनेरियो, उनका आदत है क्योंकि उन्होंने ये गेम हर जगह खेल लिया है. पर मेरे ख्याल में ये म्यांमार के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रिबल्स क्या है, वो ड्रग्स को बंद नहीं करेंगे. अगर ड्रग्स को बंद नहीं करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर फॉर चाइना, एंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड. उन्होंने बंद बॉर्डर बंद तो कर दिया, बट द मैक्सिमम ड्रग गोज देयर. इनका कैसिनोज है वहाँ, एब्डक्शंस होते हैं, वो काफी चीज है जो शांत स्टेट में होता है. और ये आज नहीं, ये पिछले 10 साल से हो रहा है और चाइना के कंट्रोल में नहीं है. बट अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी अभी ज्यादा हो रहा है. तो स्केल ज्यादा, स्केल इज इंक्रीज. इसीलिए मेरा मानना यह है कि चाइना के लिए भी इट विल नॉट बी अ केक वॉक. ये बट दे विल प्ले द गेम, they'll play the game better than us. The only advantage which China has is A, because of the, you know, how should I say, a long-term association in Myanmar, physical as well as diplomatic. They have a lead. They have a lead over us in terms of influence. Yes, I agree with you. And our time has come. We should take the lead over US and say कि भाई हम साथ काम करेंगे एक और. और दूसरी ओर से Russia has a good influence in Myanmar because of many reasons. वो उनका आधा हथियार, आधा नहीं 80% हथियार जो है actually वो Russia से है. और we all so we should use that angle, Russia-India angle, to start gaining control over that area. And we should use India-US angle to also start political control. Or agar ho sake to ye national unity government ko thoda phunk do, wo usko hata do, Aung San Suu Kyi ko, jo bhi karna hai kar lo. Aur ye do char group ko kam se kam political isme le aao. Aur isme mere khayal mein the ethnic similarities will come to use to you. Agar aap ye chin state mein और ये कुकी चिन ग्रुप यहाँ आता है कि ये कुकीज का, यू नीड टू लिवरेज द एथनिसिटी ऑफ द कुकी चिन ग्रुप इन इंडिया टू गेन कंट्रोल देयर. ठीक है, और ये सोचना कि भाई कुकीज अलग है, ये है वो है, वो सब वो बेवकूफी अगर हम करते रहेंगे नहीं, दो चीज होंगे. एक तो यू म्यांमार को हम को बैठेंगे, और दूसरी बात यह है कि मणिपुर और मिजोरम में भी प्रॉब्लम हो जाएगा. और तीसरी बात यह है कि चाइना भी आ जाएगा नीचे कैकफू तक. ये मेरा मानना है. The time has come for us to do something different in Myanmar.
ये काफी दिन से मेरा, आज आपने जो बोला है उसके बाद तो मेरे को बड़ा पक्का यकीन है हमें करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्चुअली पूरी मेरे डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द डिस्कशन यही था कि अनलेस वी इंटरवीन नाउ, टेक द इनिशिएटिव, हम लोग पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे और वो फिर विल बी टू लेट। तो हमारा जो लुक ईस्ट, हमारा लुक ईस्ट ही रह जाएगा, एक्ट ईस्ट नहीं होगा। एक्ट नहीं तो नहीं, हम देखते रह जाएंगे ईस्ट में, लुक ईस्ट का मतलब वहां देखते रहो, वही ना, लुक ईस्ट, वी विल बिकम लुक ईस्ट ओनली, वी कैन नॉट बिकम एक्ट ईस्ट। सवाल लेता हूँ which you can answer.